टोरेंट को यहाँ से कोई हटा नहीं हटा के बता दे मैं जाने मेरा दावा है जो भी चाहे वो बालिया मामा हो चाहे वो सुरेश टावरे हो चाहे जो भी लोग लड़े हैं चाहे रईस शेख हो कोई भी हटा के बता दे मैं जाने मेरा दावा है। मतलब किस आधार पर या किस आधार पर या किस ताकत पर या किस अंदाज में मतलब आप ये चैलेंज कर रहे हैं? ये चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मंच पर कुछ और बात करते हैं आड़े में जाकर कुछ और बात करते हैं। क्या समझिए आप? टोरेंट कंपनी को कोई अगर हटा नहीं सकता है तो यहाँ की जनता जो टोरेंट से परेशान है तो उसके लिए रास्ता क्या निकलना चाहिए? रास्ता यही है कि जो आमदार है वो बैठे वहाँ पर जो भी बिल अनाप शनाप आती है जो बिलें आती हैं उनको बैठ के वहाँ पर मानस करवाए उनको खत्म करवाए जो धांधली होती है उसको बंद कराए यही सब हो सकता है। उसमें आमदार का बहुत बड़ा रोल है। आमदार चाहे तो बैठ करके जनता के सामने ऑफिसर के सामने बैठ करके जो भी बिल बढ़ कर आती है जो भी अनाप शनाप बिल आती है जो भी जो धांधली होती है या मीटर फास्ट चल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़े हटाने के लिए तो मैं चैलेंज करता हूँ कोई हटा के बता दे मुझे। लेकर आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता रिजवान मिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई आपका स्वागत है। एक्चुअली क्या है 2019 के बाद से मैं जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर हो गया क्योंकि उधर कोरोना काल में तो 3 साल निकल गए और थोड़ा हालात धंधे वंधे के जो है खराब हो गए तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो गया। लेकिन फिर इंशाल्लाह दूसरी पारी हम लोग खेलने वाले हैं और दूसरी पारी में इंशाल्लाह हम लोग आपको दिखेंगे और जैसे हम लोग काम करते आ रहे थे लोगों के आवाम के जनता के इंशाल्लाह फिर हम लोग उसी तरह से जनता के बीच में उतरेंगे और आवाम के काम करेंगे और भिवंडी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। पूरी एक टीम बनाई जाएगी और जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह उसमें हम लोग सब लोग बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी तो हम इंडिपेंडेंट हैं अभी किसी पार्टी में है नहीं इंशाल्लाह कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन की जाएगी और उस पार्टी के बने तरह से काम किया जाएगा जनता के लिए बिना किसी मकसद के बिना किसी स्वार्थ के जनता के हित में काम करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। मंडी के आवाम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बहुत करीब जानता हूँ बहुत काम किया हम लोगों ने पहाड़ी में या उधर पहाड़ उधर शांति नगर के रहमतपुरा या जिधर भी बहुत काम किए हैं। लेकिन ये एक आदमी के बस की बात नहीं है आमदार को एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी पूरी टीम बना के मोहल्ले मोहल्ले में इसका एक कंपेनिंग करनी पड़ेगी इसके लिए एक पूरा वो चलाना पड़ेगा मुहिम चलानी पड़ेगी तब जाके होगा आवाम का काम आवाम की जनता। और देखिए भिवंडी में 70% लेबर क्लास के लोग हैं वो लेबर क्लास बनकर उतरना पड़ेगा आपको। लेबर के लिए बहुत सारी समस्या होती है उनकी शादी ब्याह होते हैं या उनके और भी बच्चों के स्कूल होते हैं बहुत सारे ऐसे मदद होते हैं जो इंडिविजुअल करना पड़ता है जो ये किसी फंड में नहीं आता कि MLA फंड से आएगा तो कर देंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं जो बीमार हैं जो डॉक्टर के यहाँ हैं जो बहुत सारे बच्चियाँ हैं जो स्कूल जाती हैं उनकी फीस नहीं भरने की है ये बहुत सारा मामला ऐसे होते हैं जो खुद से मदद करनी पड़ती है जो यहाँ का आमदार हो या जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग होते हैं वो बोलेंगे नहीं फंड से आएगा फंड तो आता नहीं था छोटा छोटा ये छोटे छोटे जो मदद है ये खुद हम लोगों को करना पड़ता है हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत से लोग जैसे उस दिन बुल्लोदर घुस गया था वहाँ शांति नगर में उसमें हम सब लोग चढ़ के मदद का हिस्सा लिया ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अमीर एरिया नहीं है कुलाबा या बांदा नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं यहाँ लेबर क्लास के लोग हैं लेबर क्लास का ही MLA चाहिए जो लेबर क्लास के लोगों की भावनाओं को समझे और उनकी तकलीफों को समझे तब जाके भिवंडी का मसला हल होगा तब जाके। रिजवान भाई सत्ता में बैठे हुए जो लोग मासूम जनता को अपने उंगलियों के इशारों कठपुतलियों की तरह नचाते हैं तो जिस तरीके से टोरेंट कंपनी से यहाँ की आवाम परेशान है तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो इस टोरेंट कंपनी को यहाँ से हटाना चाहिए या टोरेंट कंपनी के अंदर कुछ बदलाव या परिवर्तन लाना चाहिए? कुछ नहीं कर पाएंगे लोग खाली हल्ला कर करके टोरेंट से पावर पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो मैं भी बहुत सारे यहाँ पर जब हुआ था कांग्रेस पार्टी और सब पार्टियाँ मिल करके और NCP मिल करके बहुत से पहले सुरेश टावरे साहब थे सब लोग थे किए थे बहुत मरता हो चुका है लेकिन नहीं हो पाएगा। ये खाली आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हम टोरेंट हटा देंगे ये कर देंगे कोई नहीं कर पाएगा टोरेंट को यहाँ से कोई हटा नहीं हटा पाएंगे हटा के बता दें मैं जाने मेरा दावा है जो भी चाहे वो बालिया मामा हो चाहे वो सुरेश टावरे हो चाहे जो भी लोग लड़े हैं चाहे रईस शेख हो कोई भी हटा के बता दें मैं जाने मेरा दावा है। मतलब किस आधार पर या किस आधार पर या किस ताकत पर या किस अंदाज पर मतलब आप ये चैलेंज कर रहे हैं? ये चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मंच पर कुछ और बात करते हैं आड़े में जाकर कुछ और बात करते हैं। समझिए आप लोग अगर सच्चाई से जैसे जिस तरह से मंच पर जनता से वादा करते हैं उस तरह से जाके लड़ाई भी लड़ें जा करके अभी लड़ाई कहाँ लड़नी पड़ेगी जाके चीफ मिनिस्टर के यहाँ बैठना पड़ेगा यहाँ जाना पड़ेगा टोरेंट में जाके कैसे करेंगे मुझको बता दें कि फार्मूला कैसे तो जाएगा फार्मूला दिखा दें मुझे कोई भी नेता भिवंडी का कि कैसे टोरेंट को हटाएंगे खाली मुझे बता दें मान जाऊँगा इसके इस टोरेंट के पार्टनर कौन कौन लोग हैं बताइए मुझे कैसे हटा देंगे समझाइए मुझे तो सच्चाई ये है थोड़ा तल्ख है थोड़ा तीखा है लेकिन सच्चाई यही है
अभी मैं नाम ले लूंगा जो लोग इसमें पार्टनर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे टोरेंट कंपनी को कोई अगर हटा नहीं सकता है, तो यहाँ की जनता जो टोरेंट से परेशान है, तो इसके लिए रास्ता क्या निकलना चाहिए? रास्ता यही है कि जो आमदार है वो बैठे वहाँ पर जो भी बिल अनाप शनाप आती है, जो बिलें आती हैं उनके बैठ के वहाँ पर उनकी माइनस करवाए, उनको ख़त्म करवाए, जो धांधली होती है उसको बंद कराए, यही सब हो सकता है। और उसमें आमदार का बहुत बड़ा रोल है। आमदार चाहे तो बैठ कर के जनता के सामने, ऑफिसर के सामने बैठ करके जो भी बिल बढ़ कर आती है, जो भी अनाप शनाप बिल आती है, जो भी जो धांधली होती है, मीटर फास्ट चल रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़े। हटाने के लिए तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई हटा के बता दे तो मैं जानूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।